इस मूवी में फादर का अपने बेटे की गर्लफ्रेंड के साथ अफेयर हो जाता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर एडिक्टिव। आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है डैमेज, जिसे डायरेक्ट किया है लुइस माले ने। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 6.8 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम स्टीफन नाम के बंदे को देखते हैं। वो एक पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। इसको प्राइम मिनिस्टर ने बुलाया और इसे अब प्रमोशन मिलने वाला है। जब उनके साथ उसकी मीटिंग होती है तब वो उसकी बहुत तारीफ़ करते हैं। वो अपने काम में बहुत अच्छा था। स्टीफन की फैमिली में उसकी वाइफ, एक बेटी और एक बेटा है। उसका बेटा बड़ा हो चुका है और वो भी पॉलिटिकल ऑफिस में काम करता है। इसके बाद हम स्टीफन के ऑफिस में पार्टी देखते हैं। इस पार्टी में स्टीफन के पास ऐना नाम की लड़की आती है जो उसके बेटे की गर्लफ्रेंड होती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराती है। स्टीफन को ऐना पसंद आती है। उन दोनों के बीच में ऑकवर्ड साइलेंसेस थे। ऐसे ही कुछ टाइम गुजर जाता है और एक दिन स्टीफन का बेटा मार्टिन अपनी गर्लफ्रेंड ऐना को लंच के लिए घर पर लेकर आता है। यहाँ पर भी ऐना और स्टीफन ऑकवर्ड थे। स्टीफन की वाइफ इनग्रेट को ऐना बहुत अजीब लगती है। ऐना ने पूरे लंच तक उससे कोई भी बात नहीं की थी। एक दिन हम देखते हैं ऐना स्टीफन को कॉल करती है। उसने उसे एक लोकेशन और टाइम बता दिया जहाँ वो जाता है और डायरेक्टली उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। जब फर्स्ट सीन में ये मिले थे उसके बाद इन दोनों की रिलेशन डेवलप हुई है। एक दिन स्टीफन के पास उसका बेटा आता है। वो बहुत ही खुश था। वो कहता है, मुझे पॉलिटिकल एडिटर की जॉब मिली है। स्टीफन इससे सरप्राइज्ड हो गया क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रमोशन है। वो अपने बेटे के लिए बहुत खुश था और इसी प्रमोशन की खुशी में सब लोग एक साथ डिनर करते हैं। मार्टिन के ग्रैंडपा भी उसके लिए बहुत खुश थे। उसने इतनी प्रोग्रेस की थी। उन्हें ऐना भी पसंद आती है। ऐना को उसकी फैमिली के बारे में पूछा जाता है। वो कहती है, मेरे फादर एक डिप्लोमेट हैं और उसकी मदर फ्रेंच है। उसकी 4 शादियाँ हो चुकी हैं। उसकी फैमिली हमेशा मूव होती रहती थी। अर्जेंटीना, अफ्रीका, रोम, इस तरह से काफ़ी कंट्रियाँ उसने घूमी हुई हैं। 3 साल पहले ऐना का ब्रेकअप हुआ। इसके बाद वो लंदन में रहती है। इनग्रेड ऐना से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है, जैसे क्या अपनी मदर से तुम मिलती हो, तुम्हारा कोई ब्रदर है। एक्चुअल में ऐना का एक ब्रदर था, उसने सुसाइड कर ली। इनग्रेड पूछती है, ऐसा क्यों हुआ। ऐना कहती है, वो किसी से प्यार करता था। ये कॉन्वर्जेशन बहुत ही अजीब हो गई, इसलिए मार्टिन जल्दी से ऐना को वहाँ से लेकर जाता है। मार्टिन को कुछ काम था इसलिए वो अपने ऑफिस चला गया। स्टीफन ऐना के पास आता है। वो कहता है, हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। जब हम डिनर कर रहे थे तब पूरे टाइम मैं तुम्हें पाना चाहता था, तुम्हें टच करना चाहता था, होल्ड करना चाहता था। ऐना कहती है, तुम वरी मत करो, मैं हमेशा यहीं रहूँगी। इसके बाद पैशनेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। इंटीमेट होने के बाद ऐना अपने ब्रदर के बारे में और भी बात कर रही थी। वो कहती है, मेरी फैमिली को बहुत बार मूव होना पड़ा। मैं और मेरा ब्रदर, हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा थे। मेरा ब्रदर मेरे लिए पॉजिटिव था, वो मुझे सिर्फ उसके लिए पाना चाहता था। ऐना के ब्रदर ने प्यार की वजह से सुसाइड किया था, लेकिन ये प्यार वो ऐना से ही करता था। ऐना कहती है, लाइफ में जो सबसे बुरी चीज़ हो सकती है वो मेरे साथ ऑलरेडी हो चुकी है। मेरे ब्रदर के जाने के बाद मैं बहुत ही टूट गई थी। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, या तो मैं वैसे ही रहती या अपने आप को खड़ा करती। डैमेज लोग ये बहुत ही डेंजरस होते हैं क्योंकि उन्हें फिर से खड़ा होना आता है। ऐना स्टीफन से कहती है, जो भी चल रहा है वो बहुत ही अच्छा है, प्लीज़ ये चीज़ चेंज मत करना। स्टीफन की एक कॉन्फ्रेंस थी, वो चाहता था ऐना उसके साथ आए, लेकिन ऐना उसे मना कर देती है। जब बाद में स्टीफन की अपनी वाइफ से बात होती है तब उसे पता चलता है मार्टिन और ऐना पेरिस गए हुए हैं। स्टीफन इसके बाद अपनी कॉन्फ्रेंस में गया, लेकिन उसका मन नहीं लग रहा था। वो अपना माइंड चेंज करके डायरेक्टली पेरिस आ जाता है। वो ऐना को कॉल करता है और एक जगह मिलने के लिए बुलाता है। ऐना उससे मिलती है, तब वो उसे किस करने लग जाता है। वो कहता है, तुमसे मैं बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे अलावा मुझे कोई चीज़ नज़र नहीं आती। ऐना कहती है, मुझे वापस जाना पड़ेगा। मार्टिन अभी भी सो रहा है, वो चली जाती है। लेकिन स्टीफन ऐना के ही होटल में रूम लेता है। वो अपने रूम से देखता है, तब ऐना और मार्टिन ये दोनों इंटीमेट हो रहे थे। स्टीफन को बुरा लगता है और वो बहुत रोता है। स्टीफन घर आने पर नोटिस करता है उसकी डॉटर का बॉयफ्रेंड आया हुआ था। ये उसे बहुत ही अजीब लगा। स्टीफन की वाइफ कहती है, तुम्हारी बेटी प्यार में है। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन ऑफिस जाकर फिर से ऐना को कॉल करता है। आज वो उससे सिर्फ इंटीमेट होने के लिए नहीं मिलना चाहता था। ये दोनों एक पार्क में आते हैं। ऐना को ये आइडिया अच्छा नहीं लगता। वो स्टीफन के साथ सिर्फ बेड की रिलेशन रखना चाहती है।
इसके अलावा वो उससे कुछ नहीं चाहती। स्टीफन कहता है मैं मेरी वाइफ को छोड़ दूंगा, यही सबके लिए ठीक होगा। एना कहती है तुम्हारे बेटे का क्या? स्टीफन कहता है वो भी ठीक हो जाएगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। एना कहती है वो हमेशा के लिए तुम्हें हेट करेगा, तुम अपनी फैमिली खो दोगे। और किस वजह से? सिर्फ मेरे साथ रह सको, मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर सको। ये सब ऑलरेडी तुम्हें तुम्हारी वाइफ के साथ मिल रहा है। जो चीज़ तुम पाने की कोशिश कर रहे हो ये ऑलरेडी तुम्हारे पास है। एना चाहती थी सब कुछ जैसा चल रहा है वैसा ही चलना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन स्टीफन का बहुत ही इम्पोर्टेंट इंटरव्यू था। उसकी वाइफ ने ये पूरा देखा और वो उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वो उसके पास आकर कहती है जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे तब तुम एक डॉक्टर थे, छोटी छोटी चीज़ों में भी तुम बहुत ही परफेक्ट थे, यही चीज़ मुझे पसंद आई थी। और अब हम इन दोनों की रिलेशनशिप को स्ट्रगल करते हुए देख सकते हैं। वो सिर्फ एक साथ रहते हैं। स्टीफन को एना के साथ जो पैशन मिलता है वो अपनी वाइफ के साथ नहीं मिलता। एक दिन स्टीफन जब एना से मिलने के लिए आता है तब वहाँ पर पीटर नाम का बंदा आया हुआ था। पीटर एना के बचपन का फ्रेंड है, वो बिना बताए हुए आया था, इसलिए दोनों सरप्राइज थे। स्टीफन पीटर से पूछता है तुम उसे कब से जानते हो? पीटर कहता है मैं इसे बहुत अच्छे से जानता हूँ, वो आजकल मार्टिन के साथ बहुत खुश है, ये वो डिजर्व करती है। यहाँ पर इंडिकेट होता है कि पीटर स्टीफन और एना के बारे में सब कुछ जान चुका है। स्टीफन अभी तो यहाँ से चला जाता है, लेकिन पीटर के जाने के बाद स्टीफन फिर से आ जाता है। वो एना से पूछता है ये सब क्या था? एना कहती है पीटर मेरा फर्स्ट बॉयफ्रेंड था, एक दिन मैं उसके साथ डेट पर गई थी, जब वो मुझे घर ड्रॉप करने के लिए आया तब हम लोग कार में किस करने लग गए। ये सब मेरे ब्रदर ने देख लिया था, वो बहुत जेलस हो गया क्योंकि वो मुझे सिर्फ उसके लिए चाहता था। उसने मुझसे पूछा क्या तुम अब सबके साथ डेट पर जाओगी? क्या इस दुनिया को हमारे बीच में आने दोगी? एना ने इन सारी बातों को इग्नोर कर दिया था। उसका ब्रदर 2-3 घंटे तक उसके डोर के बाहर था, लेकिन एना ने उसे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। कुछ टाइम बाद एना ने देखा तो उसके ब्रदर ने सुसाइड कर ली थी। इस बात से एना बहुत शॉक में थी। उस घर में उसके पेरेंट्स नहीं रहना चाहते थे, वो पीटर की फैमिली को जानते थे इसलिए उसी के पास गए। एना गम में थी इसलिए पीटर ने उसे सहारा दिया। एना कहती है पीटर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। अपने गम में एना फर्स्ट टाइम पीटर के साथ ही इंटीमेट हुई थी। स्टीफन को एना के लिए बहुत ही बुरा लगता है। इसके बाद हम देखते हैं इनग्रेट का बर्थडे था तो वो अपने फादर के पास जा रही थी। अपनी पूरी फैमिली के साथ वो बर्थडे स्पेंड करना चाहती थी। मार्टिन सेलिब्रेट करने के लिए एना को भी साथ में लेकर आता है। इनग्रेट को ये पसंद नहीं आता, एना उसे ज़रा अजीब लगती है। ये सब ग्रैंडपा के पास आए हुए थे, किस तरह से वो बचपन में यहाँ आया करते थे इसके बारे में बातें हो रही थीं। मार्टिन कहता है बचपन में सब कुछ बहुत ही परफेक्ट था, लेकिन फिर भी उसे खाली खाली लगता था। उसकी फैमिली उसे हमेशा एम्प्टी लगती थी। उनकी फैमिली में कभी भी झगड़े नहीं हुए, जिस तरह से हर फैमिली में पैशन होता है उनकी फैमिली में कभी भी नहीं था। इस बात के लिए वो अपने फादर को दोषी मानता है। स्टीफन ने कभी भी अपनी फैमिली के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद अगले दिन मार्टिन और एना साथ थे, उन्हें देखकर स्टीफन जेलस हो गया। फिर सबके सामने मार्टिन अनाउंस करता है कि वो एना से शादी करने वाला है, सिर्फ उसके ग्रैंडफादर ही उसके लिए खुश थे। इनग्रेट को एना पसंद नहीं थी और स्टीफन का प्रॉब्लम तो हम सब जानते ही हैं। स्टीफन जब मार्टिन के साथ अकेला था तब वो मार्टिन से पूछता है एना ने तुम्हें डायरेक्टली हाँ कह दिया? वो कहता है हाँ। फिर इसके बाद मार्टिन ने अपने फादर के लिए जो भी बुरा कहा था इसके लिए वो सॉरी कहता है। इसके बाद वो कहता है एना में कुछ अजीब सा ही सैडनेस है, वो जब उसके साथ होता है तब वो क्योर हो जाता है। स्टीफन कहता है ये तो नर्स की तरह लगता है। मार्टिन समझाता है एना जब मेरे साथ होती है तब उसकी एक अलग ही साइट है। रात में सबके सो जाने के बाद एना और स्टीफन मिलते हैं, वो अंदर जाकर इंटीमेट हो गए। इंटीमेट होने के बाद जब एना के रूम से स्टीफन बाहर आया तो उसकी डॉटर ने ये देख लिया। अगले दिन आकर वो अपनी डॉटर को समझाता है तुम्हारी मदर और मुझे, हम दोनों को एना अच्छी नहीं लगती, मार्टिन की शादी से पहले हमें उससे बात करनी थी, इसी वजह से मैं गया था। डॉटर भी ये बात समझ जाती है, फिर भी स्टीफन को डर लगता है, शायद उसे कुछ ना कुछ तो पता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं एना की मदर मार्टिन की फैमिली से मिलने के लिए आई हुई थी। एना की मदर सरप्राइज थी, मार्टिन एक बहुत ही अच्छा लड़का है। वो कहती है एना की यूजुअल चॉइस से तुम बहुत ही अलग हो, वो हमेशा बहुत ही घटिया लोगों को डेट करती है। यही बातें करते करते थोड़ी देर में एना की मदर ने एना के ब्रदर के बारे में बातें निकालना शुरू कर दी। वो कहती है एना का ब्रदर और मार्टिन ये दोनों बहुत ही सेम दिखते हैं। ये बात सबके लिए बहुत ही अजीब थी। एना अपनी मदर पर चिढ़ गई क्योंकि उसे ये सब्जेक्ट नहीं निकालना था।
एना की मदर को बहुत ही बुरा लगा। ये लंच उसकी वजह से बर्बाद हो गया। स्टीफन एना की मदर को उसके होटल तक छोड़ने के लिए आया। मदर कहती है एना आजकल बहुत खुश है, किसी वजह से ये सब बर्बाद हो जाए, ये सही नहीं होगा। स्टीफन कहता है आप किस बारे में बात कर रही हो? एना की मदर ने कहा मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है, लंच पर तुम एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे थे। मदर कहती है जो भी चल रहा है इसे अभी के अभी बंद कर दो वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद हम देखते हैं स्टीफन एना को कॉल करता है और कहता है हमारे बीच में जो भी चल रहा है इसे हम बंद कर देंगे, यही मार्टिन और तुम्हारे लिए सही होगा। इसके बाद स्टीफन मार्टिन से मिलने के लिए आता है। मार्टिन की डेस्क पर उसने एना की और स्टीफन की फ़ोटो थी। इस फोटो को स्टीफन देख रहा था। मार्टिन कहता है अगर आप चाहो तो इस फोटो को रख सकते हो। स्टीफन आज कन्फेस करता है तुम्हें जो भी लगता है ये सही है, हमारी फैमिली पर मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, मुझे लगता था लाइफ में सारी चीज़ें मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं था। तुम स्मार्ट हो, तुम्हें इस सब के बारे में ऑलरेडी पता है। वो अपने बेटे पर बहुत ही प्राउड था। स्टीफन रात में बहुत ही देर तक काम करता है, वो डिस्टर्ब था इसलिए उसे घर भी नहीं जाने था। आज पार्टी थी इसलिए इनग्रेट ने उसे कॉल किया, वो उसे मना करता है, कहता है मुझे बहुत सारे काम हैं और मेरे कलीग्स भी मेरे साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इनग्रेट के पास स्टीफन के ही फ्रेंड थे, उसे पता चल गया स्टीफन झूठ बोल रहा है। स्टीफन आजकल बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब था। इनग्रेट को पता चला उसे अभी अभी प्रमोशन मिला है लेकिन फिर भी वो सैड है, इसलिए वो उसके पास आई। वो उससे पूछती है क्या हुआ? स्टीफन कहता है शायद मैं प्रमोशन नहीं चाहता, उसके साथ जो भी चल रहा है वो इनग्रेट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस बात से इनग्रेट भी अपसेट हो गई। इसके बाद हम देखते हैं एक दिन एना ने स्टीफन के लिए गिफ्ट भेजा, इसमें नए घर की कीज़ थी। उनके बीच में जो चल रहा है ये सब ठीक तरह से चलता रहे इसलिए उसने एक सेपरेट घर लिया था। स्टीफन जाकर वो घर देखता है। एक दिन मार्टिन एना को फिर से घर लेकर आया था। जब एना और स्टीफन अकेले थे तब एना कहती है अगर मुझे तुमसे दूर होना होता तो मैं मार्टिन से शादी नहीं करती, वो स्टीफन के पास रहना चाहती थी इसलिए मार्टिन से शादी करने वाली है। इन्होंने डिसाइड किया और फिर से एक दिन वो एना के घर पर मिले। ये दोनों जब इंटीमेट हो रहे थे तब एना को ढूंढते हुए मार्टिन वहाँ पर पहुँच गया। उसने डोर खोलकर इन्हें इंटीमेट होता हुआ देख लिया। वो बहुत बड़े शौक में था, उसने ध्यान नहीं दिया और वो ऊपर से नीचे गिर गया, उसकी इंस्टेंटली डेथ हो गई। स्टीफन वैसे ही भागते हुए उसे गले लगा लेता है। एक्चुअल में वहाँ क्या हुआ ये पुलिस की वजह से सबको पता चल गया। रात में स्टीफन घर पर आता है, उसकी वाइफ ने अपने आप को हर्ट कर लिया था। वो कहता है तुमने ऐसा क्यों किया? वो कहती है ये दर्द बहुत ही ज़्यादा है, मैं इस दर्द को हैंडल नहीं कर सकती। इनग्रेट कहती है मार्टिन को एना के फ्लैट के बारे में पता नहीं था लेकिन होम ओनर ने घर पर कॉल किया, ये मार्टिन के लिए सरप्राइज था, ये फ्लैट वो देखने के लिए गया। स्टीफन और एना के वहाँ आने का टाइम और मार्टिन के वहाँ जाने का टाइम सेम हो गया। इनग्रेट ने कहा यह कोइंसिडेंट था, अगर उसे पता नहीं चलता तो ये हमेशा चलता रहता। तुमने अपने आप को मार क्यों नहीं डाला? तुम इतने बुरे नहीं हो सकते। वो रोने लग गई। स्टीफन उसे सहारा देता है। वो कहती है मुझे अपना बेटा वापस चाहिए। अगली सुबह जब वो उठी तब स्टीफन उसके पास था। हमें एक दूसरे से कभी भी मिलना नहीं चाहिए था। क्या कभी तुमने मुझसे प्यार किया था? क्या मुझसे कभी तुम अट्रैक्टेड थे? स्टीफन इस बात पर कुछ भी आंसर नहीं कर पाता। इसके बाद हम देखते हैं आज उसे अपनी जॉब से रिज़ाइन करना पड़ा। अब वो फिर से एना से मिलने के लिए आया हुआ था। वहाँ पर एना की मदर भी थी। वो कहती है एना यहाँ से जा चुकी है। वो पीटर से मिलने के लिए उसके पास गई है। स्टीफन ने फिगर आउट किया एना अभी भी यहीं है। वो सारी जगह चेक करता है तो एना बेडरूम में ही थी। वो उससे कोई भी बात नहीं करना चाहती थी। इसके बाद हम देखते हैं मूवी में बहुत सारा टाइम गुजर चुका है। स्टीफन ने सारी चीज़ें छोड़ दी। वो हमेशा अलग अलग जगह पर घूमता रहा। उसने रियलाइज़ किया हम ह्यूमन कैसे बने हैं, हमारे पीछे पर्पस क्या है, इस सब के बारे में वो नहीं जानता। जब आदमी प्यार करता है तो जिस चीज़ को वो जान नहीं सकता वो उस चीज़ के करीब आ जाता है। प्यार के अलावा इस वर्ल्ड में कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती। अब वो अकेला पड़ चुका है और मार्टिन ने उसे जो फ़ोटो दी थी इस फ़ोटो की उसने बड़ी फ़ोटो बना ली है। उसे अपने बेटे और एना की बहुत याद आती है। वो हमसे कहता है उसने फिर से एना को एक बार देखा था, वो पीटर के साथ थी। एना के साथ उसका एक बेबी भी था। वो अपनी लाइफ में मूव ऑन हो चुकी है। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। स्टीफन बहुत ही गलत कैरेक्टर है। कुछ टाइम के मज़े के लिए उसने अपनी पूरी फैमिली बर्बाद कर दी। उसे अभी भी भ्रम था वो एना से प्यार करता था और अब फाइनली वो अकेला था। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा।
अगर एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।